हमारे घर पर एक सब्जी वाला रोज सब्जी बेचने आता था। वह मुझे एक मूली मुफ्त में देता था और कहता था कि मैडम, अगर आप एक मूली खाओगी तो आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा। शादी को 5 साल हो गए लेकिन मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ क्योंकि मेरा पति नामर्थ था। लेकिन मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब कुछ दिनों के बाद मुझे बच्चा पैदा हुआ तो वह उस सब्जी वाले का एक सब्जी वाला हर रोज हमारे घर सब्जी देने आता था। वह मुझे रोजाना मूली देता और कहता, यह खाने से आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा। शादी को 15 साल हो चुके थे लेकिन औलाद ना थी क्योंकि पति नामर्द था। ऐसे लोगों का कहना था, जबकि सच में जानती थी वह बहुत मोहब्बत करने वाला था। लेकिन जब से मैं सब्जी वाले से यह मूली लेकर खाना शुरू की थी, मेरा पति और भी मुझसे मोहब्बत करने लगा था। बस इसकी एक ही आदत अजीब थी कि वह रोज रात को मेरे आंखों पर पट्टी बांध देता था। मुझे यह सब काफी अजीब लगता था लेकिन इसने मुझे कसम देकर कुछ भी पूछने से मना किया था। मैं पति से बहुत मोहब्बत करती थी इसलिए मैंने इसके आगे एक सवाल ना किया। दिन भर वह घर से बाहर रहता और जब रात को कमरे में आता तो मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता। मुझे काफी हैरत तो होती थी लेकिन मैं खामोश हो जाती क्योंकि पति ने कसम दी हुई थी और मैं पति की बात को टाल नहीं सकती थी। मुझे स्कूल के बाद से ही पति और ससुराल वालों की इज्जत और घर के कामों के बारे में न सिर्फ बताया गया था बल्कि सिखाया भी गया था, इसलिए मैं सबकी इज्जत करती थी। लेकिन 15 साल गुजारने के बाद भी जब औलाद ना हुई तो सांस मुझे अजीब नजरों से देखने लगी थी। मुझे सांस से डर लगता था। अगर वह मुझे बांझ होने का ताना देती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती, इसलिए मैं सांस से दबाकर चलती थी। लेकिन जब से इस सब्जी वाले ने सब्जी देनी शुरू की थी, वह हमेशा मुझसे पूछता था कि औलाद क्यों नहीं होती, तो मैं कहती, शायद रब की मर्जी नहीं है और वाकई यह सब रब के हाथ में होता है। इस दिन इस सब्जी वाले ने मुझे यह कोने में ले जाकर कहा, आपको पता नहीं है, आप पर जरूर कोई साया होगा। अक्सर शादीशुदा औरतों पर शादी के बाद ऐसा साया हो जाता है जिसकी वजह से उनको औलाद नहीं हो पाती। हमारे पास एक ऐसी मूली का बगीचा है जो सबसे ज्यादा उम्र वाली औरत को खिला दी जाए तो वह भी प्रेग्नेंट हो जाती है। सब्जी वाले की बातें सुनकर मैंने उसे शक की नजरों से देखा था। यह कैसा मूली का बगीचा था, भला मूली खाने से मैं कैसे प्रेग्नेंट हो जाती, मैं इसकी बातों पर जरा भी यकीन ना किया था। मैं 8वीं क्लास पढ़ी लिखी थी और उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है जो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी? अगर मेरी सास को इस सब का पता चल गया तो वह मुझे तलाक दिलवाने में जरा भी देर ना करेगी। पहले ही वह इतनी बुरी नजरों से मुझे घूरने लगी है जैसे बच्चा पैदा करना मेरे हाथ में हो। ना भाई, ना मैं यह सब नहीं करूंगी। मैं इसे मुंह पर साफ मना कर दिया था लेकिन वह मेरे मन करने के बावजूद भी मुझे कहता रहा, अरे डर क्यों रही हो, और आपको पता है कि आपकी सास भी इसलिए मुंह बनाती है क्योंकि इसे पोता चाहिए। अगर एक बार आप प्रेग्नेंट हो गई तो वह सारा सारा दिन आपके गुण गाएगी, देख लेना। और पहली बात, आपको सास को या किसी और को बताने की क्या जरूरत है? जब मैं नहीं बताऊंगा, आप नहीं बताओगी तो कैसे पता चलेगा? आप फालतू में इतना सोच रही हो, एक बार यह करके तो देख लो। सब्जी वाले ने मुझे सच का आईना दिखाते लालच दिया था और मैं इसे सोचने का वक्त मांगा था। मुझे आज सोचने का वक्त दो, यह कहते मैं अपने कमरे का रुख किया था। जब मैंने सोचने का वक्त लिया तो यूं लगा जैसे वह सब्जी वाला बड़ा बेचैन हो कि बस किसी भी तरह मैं हाँ कर दूं। ना जाने मेरे यह खाने के पीछे इसका क्या मकसद था, लेकिन इसकी बात में दम था। मैं कोई गलत काम करने तो नहीं जा रही थी, बस औलाद के लिए मूली ही खानी थी। जहाँ इतने टोटके कर लिए थे वहाँ एक और सही, और अगले दिन मैंने इसे हाँ में जवाब दे दिया था, जिसे सुनते ही इसके चेहरे पर एकदम से अजीब मुस्कुराहट छा गई थी जिसे मैंने नोट नहीं किया था। मैं मान गई थी क्योंकि मुझे भी अब औलाद चाहिए थी। मैं ना चाहने के बावजूद उन सब बातों पर यकीन करने के लिए हमी भर चुकी थी और अब सबसे चुप कर मूली खाने लगी थी। जैसे ही सब्जी वाला सब्जी देने आता तो आगे पीछे देखता, जब कोई नजर न था तो जल्दी से मेरे आगे मूली कर देता जिसे मैं अपने कमरे में छुपा कर ले जाती। और जब से मैंने सब्जी वाले से यह मूली लेकर खानी शुरू की थी, मुझे खुद में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी थी। मुझे अपने जिस्म में होने वाले बदलाव का एहसास होने लगा था। अब मुझे यूं लगता था जैसे सब मुझ पर नजर रख रही हो। इस रोज सब सब्जी वाला मुझे मूली दे रहा था तो मैं अभी मूड ही रही थी कि मेरी सास मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी मुझे ही घूर कर देख रही थी।
इसे यूं देखकर मुझे तो डर के मारे पसीना ही छूट गए थे। जब उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से मेरे होंठ के पास से कुछ साफ किया था। बहू, अगर मूली इतनी ही पसंद है तो अंदर जाकर खा लेती, यूं भूखे की तरह यहां खाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे मां ने तुम्हारे ऐसी परवरिश की है क्या? अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर सब्जी बनाओ, मेरी सास ने गुस्से से कहा था। मैंने जल्दी से सास से माफी मांगी थी और सब्जी बनाने किचन में चली गई थी, लेकिन सास की बातों पर कुछ देर के लिए मेरा रंग सफेद पड़ गया था, जिसकी वजह से पक्का सास को अब दाल में कुछ काला लग रहा होगा। मैंने सोच लिया था आज के बाद अगर कभी ऐसा हुआ तो अपने चेहरे के अंदाज बिल्कुल नॉर्मल रखने होंगे और बिल्कुल भी बौखलाना नहीं है। आजकल मेरा पति भी मुझसे बहुत वक्त दे रहा था, जिसकी वजह से मैं काफी खुश रहने लगी थी, लेकिन आंखों पर पट्टी होने की वजह से मैं जल्द ही नींद की वादियों में उतर जाती। अब मैं भाग भाग कर सास के काम करने लगी थी। इस दौरान एक बहुत ही अजीब हरकत हुई थी कि सास ने अब सब्जी वाले को हमारे घर के पीछे वाले क्वार्टर में रहने के लिए इजाजत दे दी थी। अब वह रोज सुबह सवेरे के वक्त जाता और ताजा सब्जी लेकर आ जाता था। मुझे सास की हरकत कुछ अजीब सी लगती थी, लेकिन वह लोग इस गांव के अमीर लोग थे, उनकी अपनी हवेली थी, इसलिए कभी कभी आकर खुश होते तो यूं ही गरीबों पर मेहरबान ही हो जाते थे। इसलिए मैंने ज्यादा देर इस बात को अपने दिमाग पर सवार नहीं किया था, लेकिन मुझे अब यूं लगने लगा था जैसे मेरी सास मुझ पर नजर रखे हुए है। मैं जहां जाती थी सास पता नहीं कैसे उस जगह पहुंच जाती थी, और अब सास का सब्जी वाले को घर में पनाह देना, यह सब सोचकर तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता था। लेकिन कोई भी सीरा हाथ नहीं आ रहा था। मुझे अजीब सी बेचैनी और दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे थे। अब तो यह महसूस होने लगा था जैसे वह सब्जी वाला मुझे घूर घूर कर देखता हो, लेकिन मैं उन सबको अपना वहम ही समझती रही। मूली खाते हुए मुझे एक महीना हो चुका था जब इस दिन मेरी अचानक से तबीयत बिगड़ी थी, और जो बात मुझे पता चली थी मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। मैंने अपने रब का शुक्रिया अदा किया था और अकेले में सब्जी वाले को बुलाकर इसे पैसे भी दिए और उसका भी शुक्रिया अदा किया, और मुझे यूं खुश देखकर वह सब्जी वाला अजीब सी हंसी हंसा था और बोला था, मुझे पैसे नहीं बल्कि और चाहिए। इस वक्त मुझे इतनी खुशी थी कि मैं जल्दी से हामी भर ली थी, तुम जो भी कहोगे सब मिलेगा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैंने जब पूछा तो वह अजीब तरीके से हंसने लगा था, कहने लगा, यह सब मेरी वजह से ही हुआ है, इसलिए मैं कीमत भी अच्छी खासी वसूल करूंगा, लेकिन अभी आप मुझे वो नहीं दे सकती जो मैं चाहता हूँ। इंतजार करो, मैं खुद बता दूंगा, और हाँ एक बात याद रखना, जो मूली में रोजाना देता हूँ अब इसमें नागा करने का सोचना भी मत, वरना अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। वह अपने लबों पर एक अजीब धुन बजाता हुआ चला गया था, लेकिन मेरी खुशी में भंग डाल गया था। अब तो मैं गलती से भी मूली खाने में नागा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे इतने सालों बाद यह खुशी नसीब हुई थी। खुशी के मारे मेरी सास तो सबको मिठाई बांट रही थी, गरीबों को सदके दे रही थी, हवेली को फूल से सजाया गया था, पूरे गांव की दावत रखी गई थी। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी। मुझे यह सब देखकर रोना आ गया था। शायद प्रेग्नेंट होने की वजह से मेरे जिस्म में बदलाव आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं कभी रोने लगती तो कभी हंसती तो कभी बिना वजह हो गुस्सा करने लगती थी। इस दौरान सास मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। मेरे लिए नौकरानी का इंतजाम भी किया गया था। एकदम से मेरी कदर बढ़ चुकी थी। इस सब्जी वाले ने सही कहा था, मेरे प्रेग्नेंट होने का सुनकर सब कुछ सही हो गया हो जाएगा, और वाकई सब तो सही हो गया था। लेकिन अब रोज मुझे मूली खानी पड़ती, जब सब्जी वाले की कोई ना कोई शर्त होती थी। एक दिन तो इसने मुझे एक घंटा अपने पाव दबाने का कह दिया था। अब मैं यह सब करते हुए काफी परेशान रहने लगी थी। अगर सास को या मेरे पति को यह सब पता चल जाता तो मेरी कितनी बदनामी होती। सब लोगों के दिल में ख्याल भी आ सकता था कि मेरा बच्चा ही नाजायज है। नहीं, मैं यह सब नहीं होने दे सकती थी। मैंने सोच लिया था कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना तो मैं बुरी तरह फंस सकती हूँ। मैंने यह सोच लिया था कि अब मैं मूली नहीं खाऊंगी, फिर सब्जी वाला फरमाइश कैसे करेगा? अगले दिन सब्जी वाला मुझे कपड़े धोने को कहने लगा। मैंने मूली खाने से मना कर दिया। सब्जी वाला कहने लगा, नुकसान तुम्हारा ही होगा, मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ अपने कपड़े धोने का कहा है, लेकिन अगर आप शाम में तुम खुद चलकर आई तो मैं तुम्हें मेरे लिए खाना अपने हाथों से सिर्फ बनाना पड़ेगा बल्कि मुझे खिलाना भी पड़ेगा। सोच लो,
इसने तो मुझे सीधी सीधी धमकी ही दे दी थी। इस यकीन था मैं जरूर आऊंगी। लानत है तुम पर और तुम्हारी शर्त पर जरा शर्म नहीं आती। तुम्हें मैं एक शादीशुदा औरत हूं और अब तो प्रेग्नेंट भी हूं, मैंने गुस्से से कहा था। तो क्या हुआ, प्रेग्नेंट भी तो मेरी वजह से ही हुई हो। अगर मैं इसकी कुछ कीमत वसूल कर रहा हूं तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुमसे रात गुजारने का तो नहीं कहा ना, मैंने गुस्से में कहा। तुमने जो करना है कर लो, मैं नहीं खाऊंगी मूली, मैंने गुस्से से इसे कहा और कमरे में चली गई। ठीक एक घंटे बाद मुझे अपनी कमर और पेट में दर्द महसूस हुआ था। सास ने दाई को बुलवाया लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। तब मुझे वह सब्जी वाला एक बार फिर खिड़की में खड़ा नजर आया था। मैंने सबको कमरे से बाहर भेज दिया और उसने मुझे जल्दी से मूली लाकर दी, जिसे खाने के 10 मिनट बाद ही मैं ठीक हो गई थी। अब मैं पहले से काफी बेहतर थी, मैंने दवाई भी खाई थी। इसके बाद वाकई मुझे शाम में खाना बनाकर उसे खिलाना पड़ा था। सांस ने मना भी किया लेकिन मैंने कहा मैं ठीक हूं। मैं बड़ी मुश्किल से उठी और खाना बनाया और कपड़े धोकर इस्त्री अपने काम वाली से करवाकर इसे खुद देने गई थी और इसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा था। मेरा 8वां महीना लग चुका था, सब बच्चे की खरीदारी कर रहे थे और मैं भी अब खुश थी कि एक बार बच्चा पैदा हो जाए इस सब्जी वाले का वह हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। वैसे भी पिछले कुछ दिन मुझ पर बहुत भारी गुजरे हैं। मुझे अपने पति की बजाय इस सब्जी वाले के सारे काम करने पड़ रहे थे, वह भी चुप चुप कर सिर्फ इस वजह से कि एक बार मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा अजीब वाकया हुआ था। मेरे पैरों पर सूजन आ गई थी। मैं सहन में बैठी नौकरानी से अपने पैरों की मालिश करवा रही थी कि बाहर से शोर की आवाज आने लगी। मैंने जल्दी से उसको एक साइड पर किया और खुद जाकर बाहर देखने लगी तो वहां पर वह सब्जी वाला खड़ा सास से झगड़ा कर रहा था। मैंने ताज्जुब से सास और सब्जी वाले को देखा। सास ने सब्जी वाले को जाने का इशारा किया था लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक न था, डीट बना खड़ा रहा था। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था और वह मेरे अलावा भी घर के लोगों पर हुक्म चलाने लगा था। आखिर यह सब की वजह क्या थी, वह क्या साबित करना चाहता था? और फिर वह मेरे पास आकर बोला था, ये बच्चा जो तुम लेकर घूम रही हो ना, ये मेरा बच्चा है। इसकी बात सुनकर तो मेरी रूह कांप गई थी, डर के मारे मेरे जिस्म पर कपकपी हो चुकी थी। वह यह क्या कह रहा था कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप वो है? ऐसे कैसे हो सकता था? क्या वह एक नया ड्रामा कर रहा था या बस धमकी देकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा था? सास ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ दे मारा था और एक अलग जगह ले जाकर अपने कमरे से एक अखबार में कुछ छुपाकर लाकर दिया था। जहां तक मुझे समझ आ रहा था शायद वह पैसे ही होंगे। तो क्या वह सच कह रहा था? जो सास ने इसे मुंह बंद करने के लिए पैसे दिए थे, क्या वाकई यह बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि सब्जी वाले का था? अगर यह सब सच था तो क्या सास ने जानबूझकर खुद यह सब करवाया था? लेकिन क्यों, वह क्यों ऐसा चाहती थी? आपने ही बेटे की बीवी के साथ वो ऐसा करके एक नाजायज बच्चों को क्यों पैदा करवाना चाहती थी? और उन सबसे भी ऊपर एक और बात थी, क्या मेरे पति को अपनी मां की सारी सच्चाई का पता था? क्या वह भी उन सब में शामिल थे? लेकिन कोई इज्जतदार आदमी ऐसा कैसे कर सकता था कि इसकी बीवी को कोई और भी इस्तेमाल करें? यह सब बातें सोच सोच कर मैंने अपनी तबीयत खराब कर ली थी। अगले दिन में बहुत तेज बुखार में तप रही थी। सब लोग मेरे लिए यहां से वहां भाग दौड़ कर रहे थे। मेरा पति मेरे लिए जिस कदर परेशान था, इससे मैं यही अंदाजा लगाया था कि वह अपनी मां की सच्चाई से बेखबर है। अभी तो यह बात भी कंफर्म करनी थी कि बच्चा वाकई सब्जी वाले का है या फिर मेरे ही पति का, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई भी हादसा याद नहीं था जिसकी बिना पर मैं यह कहती कि बच्चा मेरे पति का नहीं, और मैं पति से सीधा पूछकर उसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी। और मैंने सोच लिया था कि कोई ऐसा तरीका या प्लान बनाना था जिसे सच का पता भी चल जाए और मेरे पति के दिल को ठेंच भी न पहुंचे। मैंने बच्चे की पैदाइश के बाद उसका छुपाकर टेस्ट करवाने का सोचा था, लेकिन जरूरी नहीं जैसा हम सोच वैसा ही हो। मेरे साथ इससे भी बड़ा कुछ होने वाला था, एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अगले कुछ दिन में मैं दोबारा से बिल्कुल सही हो चुकी थी, लेकिन इस रोज सांस घर पर मौजूद नहीं थी। मुझे कोई नौकरानी भी नजर नहीं आ रही थी और पति तो आते ही रात को थे। अभी मैं कमरे में ही थी कि कोई अचानक से मेरे कमरे में आया था। इससे पहले मैं उसको देखकर चिल्लाती, उसने मेरे मुंह पर रुमाल रखा
और मुझे बेहोश कर दिया था। इसके बाद मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर तक बेहोश रही थी। जब आप खुली तो मैं एक बहुत शानदार ही कमरे में थी। मैंने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गई। मैं बिस्तर पर बैठी रोने लगी थी। मुझे मालूम था यह सब्जी वाले का ही काम था। शायद सास भी इन सब मैं इसके साथ शामिल थी। मैं नहीं जानती थी वह दोनों मिलकर क्या करना चाहते थे। पहले सब्जी खिलाकर पता नहीं क्या क्या किया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद मुझे ब्लैकमेल करना, फिर सास का सब्जी वाले की बातें मानना, उसे पैसे देना, उसके बावजूद भी मेरा ख्याल रखना, यह सब मेरी सोच से बाहर था। और अब मेरा यूं अगवा होना सब कुछ अजीब और बहुत ही डरावना था। अगर किसी को मेरे गायब होने का पता लग जाता तो सब मुझे भगोड़ी और गिरे हुए चरित्र का कहकर बुलाते। मैं सोच सोच कर और ज्यादा रोने लगी। इस वक्त अचानक दरवाजा खुला और मेरे शक के मुताबिक वही सब्जी वाला था। इसे देखते ही मैंने उसके साथ हाथ जोड़ लिए थे। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मुझे यह सारी दुनिया के सामने जलील करवाना चाहते हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं इसकी मन्नत कर रही थी। लेकिन वह खामोश बैठा, बस मुझे सुन रहा था और गौर से देख रहा था। देखो, तुम जितने कहोगे मैं इतने पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझ पर यह इल्जाम ना लगने दो। अगर मैं ना गई तब मुझे चरित्र की गलत औरत समझेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, सारे काम भी करूंगी, लेकिन मुझे जाने दो। इस बार वह मेरी बात को बहुत गौर से सुनते हुए अचानक मुस्कुरा पड़ा था और बोला था, यह सब तो तुम सच जाने के बाद वैसे भी अपनी मर्जी से करोगी, इसलिए मुझे इसकी परेशानी नहीं। लेकिन अब जो मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं सिर्फ सुनाऊंगा नहीं बल्कि सबूत भी दिखाऊंगा। सच बताने के बाद मैं खुद तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा, लेकिन इस घर तुम जाना चाहोगी? सब्जी वाले ने मुझसे कहते ही बोलना शुरू किया था। मेरा ताल्लुक इसी गांव से है जहां पर तुम शादी करके आई थी, और यह बात शादी से पहले की है। मेरे बाबा नशा करते थे, जिसकी वजह से इसने अपनी ही बेटी को जुए में हरा दिया था। और जब लोग पैसे लेने आए, मैंने बहन को बचाने के लिए जल्दी से अपने ही आप को उनके हवाले कर दिया और कहा कि इसे चाहे मार दो लेकिन बहन को छोड़ दो। लेकिन वह चार लड़के ना माने। मैंने उनके सर में डंडा मारा और अपनी बहन को हवेली ले आया। वहां पर मौसी के पास चला गया, मौसी यानी तुम्हारी सास, और उनसे मदद की दरखास्त की। इसने मेरे सामने एक शर्त रख दी, जिसे बगैर सुने मैंने हामी भर ली। इसलिए मेरे बाप को जेल भिजवा दिया और साथ ही उन लोगों को भी। मेरे बाप को नशा न मिलने की वजह से गुस्से और पागलपन में आकर वहीं पर खुदकुशी कर ली। इसके बाद मैंने अपनी बहन की जल्दी शादी करवा दी, लेकिन मौसी की शर्त सुनकर मैं दंग हो गया। वह जैसा जैसा कहती गई मैं बिल्कुल वैसा ही करता गया था। उनका बेटा नामर्द था, इसकी पहले 3 बार तलाक हो चुकी थी। इस बार इसने शादी करने का कहा। दुनिया वालों के सामने उसकी शादी हुई थी, जो कि उसका बेटा था, लेकिन असल में शादी मेरी और तुम्हारी हुई थी। मेरा नाम भी अमन ही है। उसने कहा था, जल्दी बच्चा पैदा नहीं करना बल्कि देर से बच्चा पैदा करना है, जिसकी वजह से तुम भी उसकी मुट्ठी में ही रहती और इसकी शुक्रगुजार रहती। जब वह तुम्हारी आंख पर पट्टी बांध देता था तब मैं कमरे में आता और वह चला जाता था। वह बस पति होने की एक्टिंग कर रहा था। मैं मूली में पहले तो ऐसी दवा छिड़कता जिससे ताकत आए और प्रेगनेंसी न ठहरे। लेकिन जब मौसी ने कहा कि अब बच्चा चाहिए तो मैंने वह दवाई बदल डाली। अब मैं ताकत की दवा मूली पर छिड़कता, लेकिन जब तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने कोई भी दवा डालना बंद कर दी थी। वह बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती थी और मुझे अपनी औलाद को नुकसान पहुंचकर क्या मिलता? इस दिन जब तुमने मूली खाने से मना किया तो मैं डर गया था कि मेरा राज खुल जाएगा, इसलिए कुछ भी बोल दिया। लेकिन तुम्हें जब तकलीफ हुई तो पता चला, शुरू में बच्चों में ऐसा हो जाता है, और तुम जब मेरे काम करती तो मुझे बहुत खुशी होती थी। दिल करता था मैं अपने बच्चों को महसूस करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए यह सब नाटक किया। इस रोज मैंने मौसी से कहा था, अब और नाटक नहीं कर सकता, मेरा बच्चा होने वाला है। मैं अपनी बीवी को सच सब सच बताना चाहता हूं, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करने लगी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसने पैसे दिखाकर मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ किया तो वह तुम्हारा बच्चा गिरवा देगी और बच्चा मार देगी। मैं डर गया था, इसलिए चला गया था। लेकिन जब तुम्हें वहां छोड़ना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें अगवा कर लिया।
मौसी कुछ नहीं कर सकती। वह जानती है तुम्हें मैं लेकर गया हूँ और इसे तुम्हारी फिक्र भी नहीं। वह तो बस बच्चा दिखाकर सबको यह साबित करना चाहती है कि इसके बेटे में कोई खोट नहीं है। वह लड़कियां ही बांझ थीं और लोगों में अपनी और अपने बेटे की इज्जत बरकरार रखने के लिए वह नाटक कर रही है। जब वह खामोश हुआ तो मैं बेजान सी अपनी जगह पर बैठ गई थी। मेरी सास ने मेरे साथ कैसा धोखा किया था, सिर्फ उसने नहीं मेरे अपने पति ने भी, लेकिन वह मेरे आसपास ही रहा। इस बात से मुझे कुछ हौसला हुआ था। अब मैं दोबारा वहां नहीं रहने वाली थी, लेकिन मैं उसे माँ बेटी की सच्चाई सारी दुनिया को दिखाना चाहती थी। फिर मैं इसके साथ शहर में ही रही थी। मौसी दोबारा हमारे पास आ चुकी थी और कुछ ना बोलने की धमकी दे चुकी थी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ, इसी वक्त मैं अपने पति और बेटे का टेस्ट करवा लिया और गांव जाकर सबको सच बताकर मौसी का असली चेहरा दिखा दिया था, जिसे सिर्फ अपने बेटे का राज छुपाने के लिए मुझे मेरे पति से दूर रखा। और अगर इस दौरान कुछ और हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ ना कर पाती। सब लोगों ने मेरी सास पर थू थू की थी और इसके बेटे को भी बहुत बुरा भला कहा था। मजबूरन उन दोनों को वह गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब मैं और मेरा पति इस हवेली में रहते हैं। हम दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। मेरे पति ने यह सब अपनी बहन की जान बचाने के लिए किया था, इसलिए मैंने इसे माफ कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।